गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज सुबह सुबह मिलके ना सारे के सारे लोग यहाँ पे भाई बहुत सारा फन कर रहे हैं। फन करने का रीजन मैं आपको बताऊं, ये शक्ल आप अच्छी तरह से देख रहे हो। रुको मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। कभी यहाँ देखना ये लाइट बंद करके, ये देखो भाई काली दिखू, देखना ये देखो ये ओरिजिनल है ना, मतलब पूरा ओरिजिनल जो प्योर है। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखना इंस्टाग्राम के ऊपर, देखो ये देखो भाई। और भाई इसके ऊपर 1 लाख व्यूज भी आ गए सामने से ना। और एक्टिंग कैसे करते हो, क्या बोलते हैं, खुद की वीडियो था ना, खुद की सोच, खुद की। भाई मैं तो नहीं बनाता हूँ ना लिपसिंग वीडियो। एंड कल मैंने एक वीडियो बनाई थी हल्की सी, और इन मोहतरमा ने वो वीडियो भी जाके पोस्ट कर दी भाई। मेरे को सीरियसली नहीं पता था भाई, सच बता, अरे नहीं मेरे से नहीं हो पाता। अच्छी बनी तो इतनी। मैं सच बताऊं, जब मेरे को ना हंसने का बहुत ज्यादा मन करता है ना अंदर से, जब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को हंसने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, मैं सबकी वीडियोस लगा लेता हूँ। एंड टू यू नस्ट गाइस, मेरे को बड़ा फनी सा लगता है, क्योंकि एक्टिंग पता कैसे कर रहे हो यार। तुम देखो सबको यहाँ पे बता दो, ठीक है, देखो यहाँ पे दीक्षु को देखना, ठीक है, यहाँ हर एक ऐसे करके तो मैं बनाता नहीं हूँ ऐसी रील्स। सबसे पहले तो मम्मी आपको गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे अपने ये भाई भी आए हुए थे। हेलो ब्रो, कैसे, ठीक ठाक हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कोको, गुड मॉर्निंग कोको, बिस्किट चाहिए? रुको इसका कंट्रोल देख। तो कोको के ना दोस्तों ये है कुछ बिस्किट, और इनको मैं दूंगा कोको को, बट दूंगा भाई हिसाब से। चाय की तो हमने सबकी सब खाली कर दी है यहाँ पे। कोको नो, पहले नो 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 नो, देखना है कि नो समझता है या नहीं समझता। नो 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 बोले तो नो, कोको नो। अब देखते हैं कि खाता कि नहीं। कोको आजा, कोको कोको समझ जाता है, ऐसी बात नहीं, डॉगी मेरा पूरा समझदार है। क्योंकि इनकी यही एज होती है 6 to 7 month की, जो एज में अगर ये अभी सीख गए ना तो सीख गए। ले खा दे मेरी कोको, आजा मेरी कोको, गुड बॉय, आजा कोको। अच्छा यहाँ तो कर दिया दीक्षु ने ना दोस्तों, यहाँ पे अपने जो हस्बैंड है वो भी ऐसे उनके हस्बैंड नहीं है आपको, ये ना ये हमने वीडियो शेयर की, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने वाले भाई के साथ देखना मेरे साथ। भाई का भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अरे नहीं, इतना बैड नहीं हूँ मैं, पता है, आवाज सुनना ठीक है, देखना तो दोस्तों आपको पता है सारे के सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो भाई फन तो ऐसे चला ही रहता है। लेकिन आज ना दोस्तों सारे, मतलब सारे के सारे लोग इकट्ठा होके बैठ के यहाँ पे सोच रहे हैं, इनकी कुछ डिमांड आई है, कौन सी सीरीज देखनी है, वेडनेसडे। हाँ मतलब कोई सीरीज ये बता रहे हैं, बोल रहे बहुत ही अच्छी है, और मैंने भी उसके एक दो बार नाम सुने थे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर नेटफ्लिक्स तो मैंने ले ही रखा है, तो ऊपर से करते हैं अभी देखना शुरू। मौसम भी बड़े रंग दिखाता है दोस्तों आज, देखो प्रॉपर पूरी तरह जो मौसम जो है वो क्लियर होकर निकला है। एंड गाँव में धूप निकल चुकी है, और देखो भाई ठंड का तो वो लेवल हो गया ना एक्सट्रीम, कि यहाँ देखो ये गाय के लिए पानी रखा हुआ है, बट इस पानी के अंदर कुछ और ही बन गया भाई, पूरा का पूरा ये देखो पूरा गोल गोल रोल बन गया है। और इस रोल को कहाँ पे फोड़े अच्छा तोड़ के देखते हैं, अच्छा लगेगा ना ये। नीचे क्या हो गया, तो इसमें क्या गिंदे हो जाना, बैठ देखो। प्यारी साउंड आती है ना। कोको तेरे को क्या चाहिए, खट्टा खाएं सब लोग मिलके, चलो ले आओ फिर खाते हैं। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे खट्टा जो है मैंने तैयार कर दिया है दीक्षु की चॉइस के ऊपर, और अभी मैं इसको फाइनली अच्छी तरह से मिला भी चुका हूँ। एक पीस चेक कर लेता हूँ हाथ धोने से पहले। अल्टीमेट भाई क्या चीज बनी है, एक बार चेक करके बताओ तुम भी। हाँ अति अति बोलते ना, क्या अति नंदित, अति उत्तम। तो ये मेरी गाय ना दोस्तों मेरे को मारती थी, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खट्टा खिला दिया। अभी देखो इसको मिर्ची लग रही है। गंगो बेटा हुआ लगा पता, ये देखो अभी तक भी खाने को आती है। अच्छा खाने को नहीं मारने को आती है। मम्मी डांटा करो इसे यार, कैसे आपने सुधार के रखी है। मेरा कोको सुधारा है, वो खाता है थोड़ा भी नहीं तो इसको क्या यार। अभी ना दोस्तों धूप सेक के जो प्रॉपर ऐसे मतलब लाल होने को आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दीक्षु ना सारा दिन लेटी रहती है। और दीक्षु कब तक लेटना पड़ेगा फिर ऐसे ही बताओ। मम्मी से पूछ लो, मम्मी बताओ कब तक लेटना है अभी, मतलब कब आएगा। अगर सीधी सी बात है, सीधा सी बात करें कि दीक्षु का बेबी आएगा कब। एक डेढ़ महीने में, तब तो ठीक है यार, एक डेढ़ महीने की बाकी बात बची है, फिर देखते हैं कि क्या आता है। मैं तो मामा बन जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, भांजी आएगी क्या आती है, जो भी आती है मोस्ट वेलकम है। और खुशी होगी जब मामा बनेगा। अरे पहली बार मामा बन रहा हूँ यार, इसमें तो क्या ही बोले दोस्तों,
पार्टी मिलेगी सबको मिलेगी मेरी तरफ से। छोटा कोई आएगा है ना? क्या छोटा मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमसे छोटा आएगा, ये बात सही है। तेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। तेरी इम्पोर्टेंस, हाँ ये भी बात सही है। जिस तरह की ना दोस्तों यहाँ पे बर्फ जम रखी थी आपने देखा, जिसको मैंने तोड़ा, मतलब उसको देखते हुए तो आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ पे ना मॉर्निंग टाइम पे नहाना मतलब कोई चैलेंज से कम नहीं है। ऊपर से मेरे को मॉर्निंग में नहाने की कोई ज्यादा आदत है नहीं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहा पाता हूँ। भाई पैर भी फिसल गया था, देखो यार कभी कभी ना ब्लॉगिंग भी बहुत महंगी पड़ जाती है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि धूप लगी हुई है तो इसका फायदा उठा लिया जाए, थोड़ा नहा लिया जाए, फ्रेश होके फिर निकलते हैं कहीं पे। देखो धूप को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया, और इसी मौके के ऊपर दोस्तों मैं परफेक्ट टाइम पे नहा लिया, मतलब ये समझ लो आप, क्योंकि अब धूप चली जाती ना एक बार फिर भाई नहा के बाहर आता ना तो मतलब क्या ही बोले। अभी फिलहाल बाल आप देख सकते हैं क्या मतलब चप्पू की तरह बन रखे हैं, पर खैर दोस्तों लुक चेंज करने से बाल अच्छे कर लेने से कभी इंसान तो नहीं बदलते ना। रहूंगा तो मैं आपका वही हिमाचल वाला भाई भले ही कैसा भी दिखूं। लेकिन हाँ दोस्तों एक सरप्राइज है बहुत बड़ा जो कि आपको आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस उसकी प्लानिंग करने के लिए मेरे को आज जो थोड़ा सा अपने घर से दूर जाना है मासी जी के यहाँ पे। फिर क्या प्लान चल रहा है वो तो चलो वीडियो में आप लोग आगे देखते रहो। और तुम लोग बोलते हो कि भाई इन दोनों शैतानों को आपस में मत लड़ने दिया करो क्योंकि ब्रोनी बाहर से आता है, बट मैं नहीं रोक सकता यार, ये दोनों आपस के फ्रेंड है और इनको मैं ब्रोनी को बांधता नहीं हूँ, आपको पता है। ब्रोनी को जब मूड होता है ना वो आ जाता है। ऊपर से अच्छी बात यह है कि ये दोनों के दोनों मतलब इनको मैंने वैक्सीन लगवा दी है, तो अभी थोड़ा थोड़ा टाइम रह गया है, जैसे कोको का बाकी के इंजेक्शन लगना बाकी है। बाकी आई होप यार यही बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा बुरा ना हो जिसकी वजह से कल को मेरे को पछताना पड़े। ऐसे सकते हैं आप खुद से सोच सकते हो, क्योंकि मैं एक को भी बांधूंगा ना तो दोस्ती एक ऐसी चीज है कि वो दूसरे के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो भाई धूप से को तो उसके बाद ब्लोर में घुस जाओ, कुछ ऐसी ऐसी जिंदगी जो यहाँ पहाड़ों में आजकल चलती रहती है। यहाँ पे देखो अब सारे के सारे लोग ना एक ब्लोर इन्होंने बीच में दबा के रखे और सारे बैठ गए, फिर ऐसे गप्पे लगाते रहते हैं क्योंकि दिन ही आजकल वैसे चले हुए। और मेरे बालों के लिए कुछ दो यार कैसे हो गए बाल मेरे, अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है जैसे करंट लगाओ, अच्छे लग रहे हैं सच में। ये पता नहीं मजाक मजाक में बोल रहे, हंस रहे, पर मैं सीरियस बोल रही हूं। नहीं यार मेरे को तो खुद से नहीं लग रहे अच्छे क्योंकि मैंने ऐसे ही खड़े कर दिए, वैसे चप्पू वाले लग रहे। देखो फिर से पीछे से हंसते है ना, यही तो चीज मेरे को पता चल जाती है तुम लोगों की। भाई क्योंकि है? आपकी वैक्सीन ढूंढना नहीं चाहती इसलिए बोल रही, अच्छे लग रहे। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, अच्छे लग रहे फिर ऐसे ठीक है। चलो मैं अभी जा रहा हूँ आज। चलो यार पहाड़ों की शाम अभी हो चुकी है, तो अब बात आती है वो दिल वाली बात जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखो यार जब मैंने ये होम स्टे खोला था ना दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत डर था कि यार पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गाँव जहाँ से कि मैं उठ के यूट्यूब के ऊपर आया हूँ, क्या लोग भी यहाँ पे घूमने आएंगे, क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। बट यार थैंक यू गाइज, आपको ना दिल से सपोर्ट है, बहुत अच्छा काम चला, बहुत सारे लोग जो वो घूमने आते हैं, इवन कुछ लोग प्लान कर रहे हैं। और ये एवरग्रीन है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना गर्मी के टाइम पे सर्दी नहीं होती तो लोग घूमने आते रहते हैं। तो खैर ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी और इसके पीछे का मतलब जो सारा का सारा क्रेडिट जाता है ना वो आप लोगों को जाता है जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप घूमने नहीं आए, बट आप लोगों ने वीडियो को देखा, सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, यही चीज मेरे लिए काफी हैप्पीनेस वाली है। और आई होप कि आगे भी ये काम जो वैसे ही चलता रहे, मतलब कुल मिला के जो मैंने पैसा इसके ऊपर खर्च किया था उसको लगभग लगभग मैं रिकवर कर चुका हूं। अब बाकी थोड़ा बहुत रेंट जो आता है उसको तो भाई धीरे धीरे मतलब जो बचा खुचा है वो भी हो ही जाएगा। लेकिन ना बोलते हैं कि लाइफ में एक जगह स्टक नहीं रह सकते, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव करना पड़ता है। तो एक और डिसीजन जो वो लेने जा रहा हूँ मैं आज, और मम्मी और दीक्षु भी आ रहे हैं, मतलब घर के जो बड़े लोग हैं वो साथ के साथ बैठेंगे। तो चलो वहाँ का भी आपको माहौल बताते हैं। डीजल वारंट होने के बाद में दोस्तों दो दो दिन बाद स्टार्ट करते हो तो बेचारी धोखा कभी देती नहीं है, फाइनली अभी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। तो चलो अभी मम्मी और दीक्षु का वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी ना दोस्तों बाहर लगभग रात के 8 बज चुके हैं और मैं इन मोहतरमा का इंतजार कर रहा था। भाई इतना टाइम कौन लगाता है मम्मी? तो थोड़ा काम करते करते देरी हो गई। चलो ठीक है, फाइनली मैं और मम्मी मतलब हम वहाँ पे पहुंच ही गए मासी के यहाँ पे। बाहर तो क्या ही दिखाऊं यार, अंधेरा ही दिख रहा है, अभी थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा। एंड मम्मी जी एक बार आशीर्वाद दे दो, जो काम करने जा रहा हूँ वो डन हो जाए। बात चलो ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या काम है क्या काम है, थोड़ा मतलब रखो यार आगे पेशेंस रखो। चलो बता दूंगा मैं आपको, एंड अभी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी ना कुल मिला के दोस्तों मैं मासी जी के यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मसीहा जी नमस्कार। सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे चल रही है भाई अब डिस्कशन थोड़ी चीजों को लेकर, जिसके बारे में मतलब थोड़े अभी जो डीजे वाले मास्टर है ना उनका आना बाकी है, तो उनका भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उनको आने देते हैं फिर करते हैं सलाह। तो फाइनली दोस्तों आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समझ सकते हैं कि जैसा कि मैं चाहता था और मुझे अंदर से विश्वास था कि डिसीजन वही आएगा, वो डिसीजन जो फाइनली घर वालों ने मिलकर ले लिया है कि कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूँ। आप ये चीज समझ लो, लाइफ में आगे ग्रो अप करना है तो ऐसे में थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो एक चीज होती है ना आप में मैच्योरिटी, यही होती है कि आप लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ, आप कितना भी मतलब दुनिया को देख लो, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाए, बट बहुत से टाइम ऐसा भी आ जाता है जब आपको बड़ों की सलाह लेनी पड़ती है कि क्या मैं इस चीज के अंदर आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। मुझे पता है आप लोगों के अंदर ना एक अंदर में से वो हो रहा होगा कि यार हमको बता तो दो एटलीस्ट कौन सी ऐसी
चीज है जिसको लेकर कि मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ और कब से रोक के रखा हूँ। तो दोस्तों माफ करना, लेकिन ये चीज बताऊंगा मैं आपको अपने अगले व्लॉग में। फिलहाल इस व्लॉग में हैप्पीनेस, आपको एक चीज की खुशी तो मिल गई होगी कि दीक्षु का जो बेबी है ना वो आने वाला है डेढ़ मंथ के अंदर, और डेढ़ मंथ के अंदर हम भी कुल मिला के जो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा है, लोगों के अकॉर्डिंग शायद हो सकता है कि मतलब थोड़ा, बट मुझे जितनी हैप्पीनेस चाहिए थी, जैसा मुझे घर की तरफ से रिस्पांस चाहिए था, वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। बाकी आपको अगले व्लॉग में मैं रिवील करता हूँ। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी नहीं बता रहा तो थोड़ा सा यार समझ जाओ ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूला। अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूला। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। तो ठीक है, रेडी रहना फिर अगले व्लॉग के लिए, करेंगे पूरे की पूरी चीजों को एक्सपोज।